गया। फ्रेडी तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है काम करने के लिए यार, सुबह से इसने बहुत दुखी कर दिया है। आज इस कुत्ते ने इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा। तुझे फ्रेडी कहना बंद, आज तो कुत्ता है कुत्ता ही रहेगा, जा यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मंडल राइटर्स। तो मैं हूं नीता मंडल और आज 18 अक्टूबर, जैसा आपको पता है कि ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है और सारे त्यौहार आने को हैं, तो मैंने आज सोचा कि मैं अपने घर को पूरी तरह से सेटल करूं। ऐसा नहीं है कि गंदा रहता है, बस ये कि मेस्ट बहुत रहता है, जैसे मेरे कबर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, तो इसको बड़ा प्यार आ रहा है, कोई हेल्प तो मेरी कराती नहीं है, सारा घर गंदा करने में लगी रहती है, मेरे सारे कपड़े एकदम मैस हो रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी चीज़ों को सेटल कर लूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि देखो कितना मेस्ट है। मैं करने के लिए गई बट हुआ कुछ नहीं और सारा मैस हो गया। ये देखो ये सारे कपड़े, ये देखो कितना ज़्यादा, इतना तो मैंने कर लिया बैठे बैठे, अभी बाकी काम बाकी है। सर्दी आ गई है तो कुछ सर्दियों के लिए कपड़े भी मैंने वॉश करके रखे, इनको मेरे को इसमें सेटल करना है, जिसकी वजह से जो है मैं इसमें जो भी मेरे को रेगुलर यूज नहीं है उसको मैं पैक कर करके रखूंगा। और मेरे बच्चे खैर ये हेल्प तो कुछ नहीं करते हैं, बस गंदा करते हैं। जैसे ये पिलो देखो आप, इसका कवर उतार दिया इन लोगों ने, ठीक है। और ये नैनी का जितने कपड़े निकाल रही हूँ सबको कभी ट्राई कर रही है, कभी इधर फेंक रही है उधर फेंक रही है। और इस में सबसे ज्यादा जिसने परेशान किया है वो है हमारा फ्रेडी। इसने फ्रेडी काम, इसने तो मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रखा है, इसकी तो बात ही छोड़ो, देखो कितना गंदा हो रखा है। ये सब कुछ सफाई करनी है, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। तो अब देखो आज का तो दिन बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, बाकी की आपको मैं अपडेट देती हूँ आगे। A few moments later. फ्रेडी तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है काम करने के लिए यार, सुबह से इसने बहुत दुखी कर दिया है। अब तू क्या चाह रहा है? अच्छा तू ये वाला ले, जा यहाँ से। फ्रेडी मैंने इतने कपड़े फोल्ड करके रखे, इसने सारे गिरा दिए, मैं नहीं दूंगी, गो। कपड़ा उछाल हो गया। फ्रेडी प्लीज यार, इसने आज इस कुत्ते ने इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा। तुझे फ्रेडी कहना बंद, आज तो कुत्ता है कुत्ता ही रहेगा, जा यहाँ से। कैमरा खा रहे आ गया। ये तो मेरे कैमरा मैन को भी परेशान कर रहा है। कैमरा खा रहे आ गया। अरे ये इसने दुखी कर दिया बिल्ली की तरह मेरे को। ये ब्लॉग दिवाली की सफाई का था कि तेरे लिए था, बता मुझे। हाँ बता, किसके लिए था ये ब्लॉग? सेट डाउन। मैंने अपने क्या कहते हैं सारे दोस्तों के लिए ये वाली वीडियो बनाई थी कि मैं अपना घर कैसे सेटल अप कर रही हूँ, और मैं तुझे सेटल कर रही हूँ इस वीडियो में। अच्छा सो गाइज, अभी मेरी बेटी छत पर गई थी और उसने मुझे बताया है कि मम्मा रेनबो दिख रहा है, क्योंकि आज 2 दिन से बारिश हो रही थी। तो देखती हूँ इस बात में कितना सच है कितना झूठा है, अगर सच हुआ तो गाइज मज़ा आ जाएगा देखने में। तो मैं जा रही हूँ छत पर, बड़ी तेज़ी से जा रही हूँ। कहाँ निकला रेनबो, कहाँ? बच्चों की एक्साइटमेंट देखो, कहाँ नैनिका? ओह माय गॉड। तो जैसा कि आप लोग भी देख रहे हो, अगर हम सब बादल रेनबो निकला हुआ है, अगर हम सब बादल पे होते ना तो रेनबो से स्लाइड करते। ये कह रहा है अगर हम बादलों पर होते तो हम रेनबो से स्लाइड करते। इवनिंग हो गई है, 5 बज रहे हैं शाम के, मेरा काम अब जाके पूरा हुआ है और मैं अब नहाने जा रही थी, और बहुत ही प्यारा सा व्यू देखने को मिला।
मजा आ रहा है। ये देखो रेनबो। हाँ नैनिका ने ही कहा था, तो इसका सारा क्रेडिट आपको दिखाने का नैनिका को जाना चाहिए। नैनिका ने मुझे बताया, नैनिका बहुत तेजी से चिल्लाई। ये रेनबो कैसे बनता है? थोड़ी बूंदे ऊपर आ जाती है बादलों में, और जैसे ही धूप आती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रेनबो बन जाता है। ओहो देखो नैनिका ने क्या बताया है। नैनिका एक बार और बताना। जब थोड़ी बूंदे ऊपर आ जाती है, जब सन सन आता है तो रिफ्लेक्ट करते हैं, रेनबो बन जाता है। तो रिफ्लेक्ट करके वो रेनबो बन जाता है। तो देखो गाइस, इसने इसका फैक्ट भी बता दिया कि रेनबो कैसे बनता है। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाया, नैनिका ने आपको इसका फैक्ट बताया। गाइस ये रेनबो जहाँ भी होगा ना, वो इंसान उसके ऊपर चढ़ेगा फिर देखेगा। ये फैंटेसी बता रहा है, वो फैक्ट बता रही है। ये रेनबो पे चढ़ने के लिए बता रहा है, वो रेनबो का फैक्ट बता रही है, रेनबो कैसे बनता है। तो आपको मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि मेरी बेटी ने फैक्ट बताया, और इसका मतलब वो पढ़ती है, ध्यान देती है। और रेनबो का एक बार और नज़ारा देख लो, कितना प्यारा लग रहा है, कितना ऑसम व्यू है। मैं चारों ओर से व्यू दिखाऊं बादलों का तो बहुत ही ऑसम है, बहुत ऐसे मतलब ब्लू ब्लू से क्लाउड्स और उसके नीचे ऐसे बादल लगे हुए, ऑरेंज ब्लू का शेड। अब मैं उतरती हूँ बड़ी जितनी तेज़ी से मैं ऊपर आई थी, इतनी तेज़ी से मैं नीचे उतर रही हूँ। प्रतीक साइड में मत जाना। ये देखो मेरा सारा काम आज हो चुका है, क्लीन ठीक है। अभी फ्रेडी का बेड मेरे बेड पे रखा हुआ है, उसका बेड बेचारा यहाँ अपने कंबल पे सो रहा है। इसने जितना मुझे परेशान किया ना, आपने देखा इस ब्लॉग में। आयुष अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा है आज, इसने प्रतीक को क्या सिखाया बेटा? प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सिखाए, ओके वेरी गुड। और आज बन रही है चाय, जो कि काम के बाद बहुत मज़े देती है। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ नहाने, एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, चाय पीकर फिर आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे साथ स्टे ट्यून रहने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोबारा बोलती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।